वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अजमालन बने गिरिधारी राधा जी दे मिलने ओ, अजमालन बने गिरिधारी राधा जी दे मिलने नो। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री मद भागवत कथा सार, जिसमें कि हमने पिछली कथा में सुना भगवान कृष्ण का अद्भुत लीलाएं, चीरहरण, कालिया नाग का मर्दन किया, उसे यमुना से बाहर निकाला, और अब जो गोपियां हैं उनकी मटकियां फोड़ने की लीला, रास की लीला, आगे राधा रानी की लीलाएं बहुत कुछ आएगा। तो हम भी ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर, ताकि देखें कि आगे और क्या क्या होता है। और यदि आपने हमारी पिछली कथा नहीं सुनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर सुन सकते हैं। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्ति सागर सोनी का। तो पिछली कथा में हमने सुना कि भगवान कृष्ण ने चीरहरण किया और उसका कारण क्या था। कारण सीधा और स्पष्ट एक लॉजिकल कारण आपको बताऊं तो मैंने ये बातें आजकल भी सुनी हैं कि जल देवता होते हैं तो उनके सामने निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है और भागवत के अकॉर्डिंग भी कि ये जो चीरहरण के प्रसंग था या जल देवता हैं इसलिए उनके सामने हमें निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, तो ये चीज़ें जलाशय के लिए होती हैं, जो बड़े सरोवर हैं जो कि बाहर होती हैं। अब चीरहरण में भी क्या था कि गोपियां बाहर नहा रही थी और वही बात आ गई जो आपको पिछली वीडियो में बताई कि कोई भी मन चला ऐसे जा सकता है देखने के लिए। और आगे कलयुग आ रहा है तो उसी को समझाते हुए इस चीज़ को रोका गया था, क्योंकि आजकल का माहौल तो बहुत खराब है। आजकल तो बंद कमरों में भी लोग सेफ नहीं है, तो सोचिए कि खुले में नहाना कितना ज़्यादा खतरनाक होता होगा। तो उसी हिसाब से बोला गया है कि जलाशय में जब भी नहाए वस्त्र पहन कर नहाए। खैर, इसके जो भी भाव थे वो आपको सुनाए गए, तो अभी चलते हैं आगे। परमात्मा मेरे हृदय में है तो आपके हृदय में भी है। गोपियों के प्रभु ने आश्वस्त किया, शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके और किशोरी राधा के संग रास लीला करूंगा। ऐसा वचन गोपियों को चीरहरण के समय दिया गया था। तो जिन्होंने पिछली कथा नहीं सुनी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सुन सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके और किशोरी राधा के संग में रास करूंगा। राधा तब तो परमात्मा है और राधा नाम का स्मरण तो जहां करते हैं, गोविंद कहते हैं कि पीछे पीछे चले आते हैं। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से, बोलत अटपट पानी। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राधा शब्द राध साध संसिधो, बहुत धातु से राधा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। असल में ये राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्ति। ध्यान दे कि मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी बन जाती हैं तो संसार का जो सुख है वो सुंदर नहीं लगता, फिर तो मन और अंतर्मुख करने की आकांक्षा होती है। परमात्मा राधा के वश में है, धारा के वश में नहीं। राधा अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति, धारा अर्थात भयमुखी वृत्ति, वो धारा के वश में नहीं होता, राधा के वश में होता है। आज मेरा गोविंद 7 वर्ष का हो गया। गीता में कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनन्याश चिंतयतो माये जनाप्युपास्ते तेषां नित्यामियोक्तनाया योक्षेमं वहम्यहम्। अनन्य का से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य का मतलब है ना अन्य ना अनन्य, जिसकी दृष्टि में केवल गोविंद के अलावा कोई नहीं उसको अनन्य कहते हैं। अनन्यता से चिंतन करने वाले का होता क्या है, उसका योगक्षेम में भी मैं सहन करता हूँ,
प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों का तो कृष्ण सब कुछ है, उनका मित्र कृष्ण है, उनका पुत्र कृष्ण है, उनका भाई कृष्ण है, उनका स्वामी कृष्ण है। ब्रह्मा जब इतने सरल रूप में मिल गया फिर वहाँ और भटकने की जरूरत नहीं। भाव साम्राज्य की बात है, भाव साम्राज्य में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं, लेकिन कृष्ण जब ब्रजवासियों को मिल गए फिर वो इंद्र की पूजा करते हैं, तो भी लीला होगी गोवर्धन पर्वत की। इंद्र का यज्ञ करते हैं, हजारों मन तिल, हजारों मन जो, हजारों मन चावल, घी आदि सामग्री के द्वारा कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इंद्र के मन में तो हो गया अभिमान, इंद्र जरा उदंड हो गया है, ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर भटकने की जरूरत क्या। अके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, लेकिन इनसे जब मैं ये कहूँ कि तुम इंद्र की पूजा बंद करो, मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, तो मालूम है ब्रजवासी क्या कहेंगे, मौत होए वो तो आवे ना, हमारे बीच भगवान बना, कौन मानेगा मेरी बात। ऐसा कुछ नाटक करूँ इंद्र का अभिमान दंडता दूर हो जाए, पूजा बंद होने से वह मेरी सर्वोच्च पूजा का फल ब्रजवासियों को मिल जाए, मेरे जो वास्तव में रूप है वो गिरिराज महाराज है। मैं वो आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, इस समय कलयुग में भारत में प्रत्यक्ष कोई देव है तो वह है ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी दो प्रत्यक्ष देव है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, लेकिन वो हमारे गोवर्धन नाथ की यात्रा दौड़कर बिना रुके परिक्रमा दे देते हैं। ये कृपा है ठाकुर की, वेंकटेश्वर प्रभु कृष्ण के बाल रूपी हैं, इसलिए उन्हें बालाजी बोलते हैं। रावण उस समरताय के प्रधान इष्ट हैं वेंकटेश प्रभु। कन्हैया ने सोचा मेरा जो अपना रूप है वो साक्षात गिरिराज है, और यदि गिरिराज की पूजा ब्रजवासी लोग करें तो इनको मेरी पूजा का फल मिलेगा और इंद्र का घमंड दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हर काम को बच्चे की तरह करते हैं। आज कन्हैया अपने घर में आए, शोदा माँ मैं पट्टी बांधकर भोग बना रही है मुंह पे। कन्हैया कर सोई घर के द्वार पर खड़े हो गए, मैया से बोले मैया तुम ये क्या बना रही हो। मैया बोली दूर रह दूर, भीतर मत आइए। मैया को पता है अंदर आया तो दंग मचाया। कन्हैया बोलते हैं क्यों क्यों ना हूं। मैया बोली बेटा मैं जैजा की पूजा के ताई भोग बना रही हूं, और जैजा की पूजा में बालक बिना नहाए भीतर ना आए। कन्हैया मन में बोले सबसे बड़े जैजा तो हम, ये हमसे बड़े कौन, 7 वर्ष के तो हैं, कृष्ण बालक ही तो है। मैया से बोले मैया या भोग में से एक पकौड़ी मोक को दे दे। मैया ने कहा डांट कर दूर रह, पितर मत आइए, पकौड़ी को हाथ मत लगाइए, जैजा का भोग बन रहे हो। गोविंद रोने लगे, रोते रोते नंद बाबा के पास आए। बड़ी बड़ी सामग्री वहां बन रही है, जो तिल चावल घी सब मिलाकर हवन सामग्री तैयार हो रही है। लाला को रोते देखा, नंद बाबा बोले बेटा क्या हुआ, तू काय को रोवे। बाबा मैया घर में बड़े बड़े पकवान बना रही है, मैंने कही या मैं से एक करो पकौड़ी ले लूं, सो डांट कर पड़ी। बाबा ये जैसे कौन ऐसे पूछ रहे हैं बच्चों की तरह। नंद बाबा ने गोविंद को गोद में लिया और समझाने लगे, लाला इंद्र हमारे देव का नाम है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, और ये बादल वर्षा उन्हीं का तो रूप है। हम लोग सब इंद्र की पूजा जप करें, इंद्र महाराज वर्षा करें, इंद्र महाराज वर्षा करें तो हरी भरी भूमि और अन्न धन वृद्धि हो। इंद्र की पूजा के लिए ही तेरी मैया सामग्री बना रही है, बुरो नहीं मानना चाहिए। तो कन्हैया क्या बोलते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैं विलेते, सुखम दुखम भयम शेवम कर्मणा भविवद्धते। बाबा जीव को जन्म कर्म से होए, जीव की मृत्यु कर्म से होए, यदि ईश्वर का नाम की कोई चीज है तो वे विफलवाही को दे जो कर्म करो, कर्म ना ही करो वाके फल ईश्वर भी नहीं देव। इसलिए तो कहते हैं अच्छे कर्म दो भगवान देगा फल, जैसे कर्म करो वैसा फल देगा भगवान। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से कर रहे हैं, कभी इंद्र ने प्रकट होकर दर्शन दिए क्या। बेटा पूजा तो हम हर बार करें, दर्शन तो आने दियो ना। कन्हैया बोले है ही ना आया तो दर्शन आएगा कहाँ थे। बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज हैं, गोवर्धन नाथ हैं, एक बार आप गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज की हरियाली 100 वर्ष हो बाबा, बाहर कोदल ब्रज को
बहा नहीं सके और गिरिराज महाराज की कृपा से बाहर के जल को गिरिराज जी रोके हैं। गिरिराज की तलटी में हमारा गांव निर्भीक विचरण करे। बाबा एक बार मेरी बात मानो, गिरिराज की पूजा करो। मैं आपको वचन दूं बाबा, गिरिराज प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मांग मांग कर तुम भोग पाएंगे। तुम पूजा करके तो देखो। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे कहवे से इंद्र की पूजा बंद कर, हम गिरिराज की पूजा करेंगे तो सही, लेकिन हमारी भी तीन शर्त। तो लाला मान के बोलो। पहली शर्त ये कि तेरे गिरिराज जी हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होने हो गए। लाला दूसरी शर्त ये, तुलसी छोड़ दी, थाली सजा दी, आंखें बंद कर ली, भोग लग गयो, हम ये नहीं मानेंगे, तेरे गिरिराज महाराज प्रकट होकर भोग स्वीकार करना पड़ेगा उनको। लाला बोले ठीक है। तीसरी शर्त, यदि इंद्र महाराज नाराज हो गए, उसकी पूजा बंद करने पे कुपित हो गए, कुछ गड़बड़ होगी, तो गिरिराज महाराज को हमारी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, गिरिराज को हमें बचाना होगा। कन्हैया बोले ये भी ठीक, महाराज के बड़े लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार से तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। पर लाला हम तो जाने भी ना गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करें। कन्हैया बोले 56 प्रकार के भोग बनाओ, यही गिरिराज की पूजा है। अब क्या क्या 56 भोग ब्रजवासी लोग बनाएंगे वो देखते हैं। खुरचन है खीर, मोहन खीर, सावर खूरमी खीर, खजला जलेबी, कलाकंद बालू शाही है, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसे गुल्ला संगेर भिड़ी सोहाई है, भुजिया नमकीन सेव, गाठिया सकल पार, और भुजी आ समोसा, पापड़ पकौड़ी भी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा शोध सब सामग्री लेकर के गिरिराज में भोग में सजाई है। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन भगवान के लिए 56 भोग बनाए गए हैं, 6 ना के रसगुल्ले बने हैं, 6 ना के राजभोग बने हैं, गुलाब जामुन बने हैं, 6 ना की चमचम बनी, 6 ना की पकौड़ी बनी, 6 ना के सेब संतरा बने, 6 ना के केला बनी, ये चीजें सब 6 ना की बनी है, आम नहीं थी, सब 6 ना की बनी है। और यहाँ पर तो सब रस सब सेब संतरे असली वाले दर देते हैं। बा के बाद बनी खुरचन, कुलिया, खोवा के लड्डू, खोवा के पेड़े, खोया की चक्की, कलाकंदा, हाखीर, मोहन बनियो, मोहन थार बनियो। देखिए यहाँ पर एक भी फल का नाम नहीं। हाथ से जारा जो मिठाइयाँ बनी है सब 6 ना की बनी है या खोवा की बनी है। खीर मोहन बनियो, मोहन थार बनियो, चीज खोवा की बनी है। वाके बाद बेसन के लड्डू बने, मगध के लड्डू बने, जलेबी बनी, इमरती बनी, फिर पूड़ी बनी, फिर पकौड़ी बनी, फिर कचौड़ी बनी, दही बड़ा बना, कांजी बड़ा बना, केवल बड़ा बना, खीर बनी चावल की, साबूदाने की, ताल मखाने की, गन्ने के रस की खीर बनी, फिर चावल बने, मीठे चावल बने, नमकीन चावल बने, मेवा डालकर अलग से बने, दही भात बना, कड़ी भात बना, दाल सब प्रकार की बनी, मसूर की दाल का भोग नहीं लगता भगवान को, सब तरकारी बनी है, बेजड़ की रोटी बनी, मिस्सी रोटी बनी, दाल बाटी, चूरमा बना, फुलका भी बना, बाजरा की रोटी भी बनी, दलिया भी बना, और अधोटा दूध। हमारे ब्रज में अधोटा दूध बना में जो रबड़ी भी नहीं होता, दूध भी नहीं होता, रबड़ी भी बनी, सब सामग्री बनाई, माखन मिश्री कई हजार घड़ों में भर ली, जमुना जल में भरकर सजा दियो, सब फल और मेवा भी सजाए, सारी सामग्री बैलगाड़ी में सजा दिया। आगे आगे चलकर कन्हैया शांडले मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर चल रहे हैं। सब ब्रज की गोपियों ने बड़े सुंदर श्रृंगार किए हैं और आगे कृष्ण चल रहे हैं, पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं, वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन की ओर, और 7 कोस दूर गिरिराज जी के पास आ गए। भगवान बोले ये मेरे गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी की कोई छोटी मोटी थोड़ी है, 7 कोस लंबे चौड़े 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की।
गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं लाला, भगवान ने कहा अब गिरिराज जी को स्नान कराओ, यमुना जी वहां से थोड़ी दूर हैं, अब ये शालग्राम जी थोड़ी है, एक कटोरी जल से स्नान हो जाएगा, इनके लिए तो 10-20 हजार टन चाहिए। ब्रजवासी यमुना से जल भर कर लाए, गिरिराज जी को स्नान कराया, प्रातः 4 बजे स्नान आरम्भ हुआ, साय हो गई और गिरिराज जी का तो नख भी गीला नहीं हुआ। कन्हैया हमारे वश की बात ना है, कमर टूट गई जल भर भर के लाते, तेरे गिरिराज जी का तो नख भी गीला ना हुआ। कन्हैया बोले चाहे कहाँ हो तुम ये चाहो भैया जमुना जी यहीं पर आ जाए। कन्हैया बोले आंखें बंद करो, जैसी नेत्र बंद किए मेरे गोपाल ने मन से गंगा प्रकट कर दी, इसलिए उसका नाम है मानसी गंगा। मानसी गंगा महारानी की जय। गिरिराज जी को स्नान करवा रहे हैं, शांडले मुनि बड़े बड़े विप्रदेव बैठे हुए हैं, गिरिराज धरण की जय हो। शांडले मुनि ने षोडश चार से पूजन करवाया। ब्रजवासी बोले भैया अब सामग्री से जावे। कन्हैया बोले हाँ हाँ। गिरिराज जी प्रकट होकर भोग पावे, उसके पहले हम गिरिराज जी की परिक्रमा करावे। परिक्रमा जैसे ही पूर्ण हुई, कन्हैया बोले नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र बंद किए, एक रूप से कृष्ण मुरारी बनकर खड़े हैं, दूसरे रूप में 4 भुजा धारण करके गिरिराज जी को प्रकट हो गए। बोलिए गिरिधर महाराज की जय। 4 भुज धारण कर ब्रजवासियों से बोले लाओ ब्रजवासियों लाओ भोग लगाओ, ब्रजवासियों भोग लगाओ। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए लाला, इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन हमने वाह के दर्शन नहीं किए, आज हम बड़े भाग्यवान हैं। तुम्हारो गिरिराज कितना कृपालु है, कृपा का सागर है, देखो मैं प्रकट होकर दर्शन दे रहा है, प्रकट होकर ब्रजवासियों के दर्शन दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण के मित्र मधुमंगल ने कही लाला सुनियो। कन्हैया बोले कहा क्या है। बोले गिरिराज महाराज को मोह बिल्कुल तेरे जैसा क्यों लग रहा है। कन्हैया बोले मेरे जैसा मोह है तो मैं कहा करूं ना, मैंने तो पूछी ऐसे ही मोह है ना। लाला बोले अम्बे मैं तो ऐसा ही हूँ, भगवान भोग पा रहे हैं बड़े प्रेम से। सवेरे 9 बजे भोग लगना आरंभ हुआ, 6 बज गए, लेकिन वो पाते ही जा रहे हैं, चारों हाथों से भोग पा रहे हैं। 3 दिन हो गए बिना रुके लगातार भोग पा रहे हैं। मधुमंगल ने कही सुनियो लाला। कृष्ण बोले क्या बात है, मोह ऐसा लगे तेरे गिरिराज महाराज कई दिनों का भूखा दिखे। अरे धीरे धीरे पा लो, हम मना कर रहे हैं क्या, देखियो कैसे खा रहा। 4 हाथों से पावे। कन्हैया बोले प्रेम से भोग ऐसो ही लगे, तुम बुरो मत मनाओ चोखो भैया। अब 3रे दिन शाम तक मधु मंगल को चिंता भई, ब्राह्मण का बेटा है सुनियो लाला। कन्हैया बोले क्या हुआ, तेरे गिरिराज महाराज कुछ बता छोड़ेंगे कि सारा खाएंगे। भैया ये चारों हाथों से पावे और प्रसाद की भी आशा नहीं रही। कन्हैया बोले मिलेगा प्रसाद, चिंता मत करो, आप ही पूजे आप पूजावे। गोवर्धन नाथ भोग पा रहे हैं, ब्रजवासी सब जोर जोर से जयकार लगा रहे हैं, इतनी जोर से जयकारा लगा कि इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। बोले काहे का हल्ला। देवेशी नारद बोले हो गया ना आपका तो पत्ता साफ, इतनी पुरानी 1000 वर्ष से चली आ रही आपकी पूजा, अरे उस छोटे 7 वर्ष के नंद ने लाला ने तुम्हारे पूजा बंद करवा दी। और आश्चर्य तो ये है कि स्वयं भगवान बनकर बैठे अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र ने कहा अच्छा। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ प्रगंड पर जाकर जोर से वर्षा करो कि एक भी गांव एक भी घर सुरक्षित ना रहे। तड़ तड़ बड़े जोर से बारिश शुरू हो गई, काले पीले बादल आ गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया के शरण में लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा कैसा खीर में नमक डाला है इंद्र ने। कन्हैया बोला आप चिंता ना करो, सब लोग आंख बंद करके गिरिराज महाराज का ध्यान करो, गिरिराज धारण में तो तेरी शरण। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, गिरिराज भगवान का ध्यान किया। मेरे गोविंद ने बाएं हाथ पर गिरिराज उठा लिया, इकनी उंगली के नक्श पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलो गिरिवर धारी भगवान की जय। सजनों 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे गिरिराज को 7 दिन 7 रात प्रति 21 छोटी सी उंगली पर उठाकर रखा, कितना सुंदर स्वरूप। लेकिन ब्रजवासियों के मन की भावना देखो, जब कन्हैया ने इकनी उंगली पर नक गिरिराज धारण कर लिया तो आ जाओ ब्रजवासियों सब गिरिराज के नीचे आ जाओ, मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसी वर्षा नंद बाबा ने अपने 85 वर्ष में नहीं देखी। जैसे ही ब्रजवासी अपने अपनी सामग्री लेकर नीचे आए, यमुना वहां बह रही है और पानी कहाँ है पता नहीं, यमुना और वर्षा का जल सब एक हो गए, स्थल हो गए, यमुना कहाँ है पता नहीं। अब 3 दिन हो गए कृष्ण को गिरिराज धारण किए, पानी बंद नहीं होता, बारिश हो रही है। ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी अपनी छड़ी लगा दी गिरिराज के नीचे।
मधुमंगल बोले, लाला 3 दिन सोए ना, नेक विश्राम कर ले। कन्हैया, कन्हैया बोले, मैं यदि विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले, लाला तू चिंता मत कर, उन्हें लाठियां लगा रखी हैं, लाखों छड़ी लग गई है। लेकिन कन्हैया बोले, आप लोग नहीं जानते, तुम्हारी छड़ी में ये शक्ति नहीं है कि गिरिराज महाराज को धारण कर सके। अच्छो तो तूने जो सोच रखी, दिखे कि गिरिराज महाराज मैंने ही धारण किया है, सो कन्हैया के मुख से निकल गया, मैं तो भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले, कौन है तू? अब की कहियो। बोले, मैं भगवान हूँ। अच्छो भगवान है तो कौन सा काम किया तूने? भैया जी तो भगवान। कन्हैया बोले, मैंने पूतना मारी, शक्ट असुर मारिया, बका सुर मारिया, धेनु का सुर मारिया। बस बस रहन दे, जरा झूठ मत बोल। अरे तेने पूतना मारी तो क्या भया, वह मरी मराई से 10 लाठियां तो हमने भी मिलगाई, हम कोई तो से कम थोड़ी है, हमारे बीच में भी भगवान है। हम कह रहे हैं छोटो सो लाला है, हार गए हो गो, मैं के विश्राम कर ले, भगवान की बने। कन्हैया बोले, तो उंगली हटाऊं? बोले, हटा ले। कृष्ण ने सोचा, जरा ढीली करके तो देख लूं। मेरे गोविंद ने जैसे ही उंगली ढीली की, गिरिराज जी नीचे आने लगे। वैसे गिरिराज जी नीचे आए, जितनी हजारों लाख की छड़ी सब चट चट करके टूट गई। कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर धारण किया। ब्रजवासी बोले, क्यों रे लाला, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, तेने पतरी सी उंगली पर गोवर्धन कैसे रखे हो? आज तो को बताना पड़ेगा, उंगली में इतनी शक्ति कहाँ से? भगवान बोले, बड़ी समस्या है, यदि मैं कहूंगा मैं भगवान हूं तो लाभ मानते नहीं। अब पूछते हैं, बताओ उंगली में शक्ति कहाँ से आई, हमारी छड़ी टूट गई। मोरे गोविंद ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कछु माखन को बल बड़ो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिर भर लियो उठाए। एक तो मैंने माखन खायो है भाई, घर का माखन है, उसने मेरा बल बढ़ा रखा है। एक आप सब गांव के लोगों ने मेरी सहायता करी, किशोरी श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिराज उठा लिया। ब्रजवासी बोले, हमने यहाँ सहायता करी भैया। कन्हैया बोले, सुनो, मैंने जब गिरिराज उठाया, आप सब ब्रिज में टकटक लगा के मुझे देख रहे थे, तो लाखों ब्रजवासी टकटक लगा कर मुझको देखने लगे, तो तुम्हारे शरीर की जितनी शक्ति है वो मेरी उंगली में आ गई। ब्रजवासी बोले हैं, बोले, अच्छा आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हम कमजोर कैसे हो गए अब पता लगा? क्यूर नंद के छोरा अब तक माखन चुरावे हो, अब शक्ति भी चुराने लगा। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे गिरिराज को उठाया, सप्तरात्रि पर्यंत इतनी उंगली के नख पर धारण किया, किसी को विदित नहीं होने दिया, मैं भगवान हूँ, यही तो चित्र है श्री कृष्ण का चरित्र। लेकिन पानी कहाँ गया? इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाकर देखो ब्रजमंडल यदि पूरा बह गया हो तो पानी बरसना बंद कर दो। सैनिकों ने जाकर सूचना दी, महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, फिर पानी कहाँ गया? बोले, कन्हैया ने जब गिरिराज उठाया तो नीचे से शेषनाग ने आकर चारों तरफ बांध लगा दिया ताकि बाहर का जल अंदर ना आवे, और ऊपर एक कोने में सुदर्शन चक्र जी बैठकर पानी को सुखा रहे हैं, दूसरे कोने में अगस्त मुनि बैठकर जल को पी रहे हैं। अगस्त मुनि, हाँ, बोले, भगवान राम जब रावण को मार कर आए अयोध्या में, जब राम जी का राज्य तिलक हो गया, माता जानकी जी को ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, अपने हाथों से भोजन बनाती हैं। राम जी ने एक दिन उदास होकर बोली, क्या बताऊं, बड़े प्रेम से भोग बनाती हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण पंडित जी आते हैं वे थोड़ा सा पाकर ही उठ जाते हैं, कोई ढंग से भोजन नहीं पाता। राम जी बोले, ऐसा मत कहो देवी, कभी कोई ब्राह्मण ऐसा आएगा, आप बनाते बनाते थक जाओगे और वो खाता नहीं थकेगा। अभी तुमने असली ब्राह्मण देखे कहाँ है? ठीक है, किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूँ। मेरे प्रभु रघु और राज समाधि लगाकर अगस्त मुनि का ध्यान में पहुंचे गए। अगस्त मुनि वही हैं जो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को पी गए। अगस्त मुनि ने कहा, क्या आज्ञा है प्रभु? राम जी बोले, आज का भोजन हमारे घर पावे। भगवान राम और जानकी जी ने उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले, महाराज भोजन आज यहीं पर करें। अगस्त बोले, इच्छा तो नहीं, फिर भी आप कहते हैं थोड़ा ही कर लेंगे। माँ जानकी बोली, मेरी इच्छा होती है अपने हाथ से भोजन बनाकर परोसूं। बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। माता जानकी जी ने देखा दुबला पतला सा संत कितना खाएगा, रसोई घर के द्वार पर मस्त महाराज का आसन लगा दिया, सोने की थाली सजाई, 50 कटोरियां रखी, कई प्रकार के व्यंजन सजाए, थाली में बीच में पूरी रखी। अगस्त देवर जैसे ही थाली के पास बैठे, अगस्त ने टेढ़ी नजर से राम जी की ओर देखा। राम जी ने इशारा किया, आप असली रूप दिखा देना। अगस्त ने कहा, जो आ गया। जानकी जी ने कहा, महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। अगस्त जी थाली की ओर देख रहे हैं और केवल हंस रहे हैं। जानकी जी बोली, आप शुरू कीजिए। अगस्त मुनि बोले, हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि टोरी आंख में डालूं के नाक में डालूं कान में डालूं,
बोले क्यों? बोले भोजन कराना है तो देवी ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई, कोई भोजन करने वाला तो आया। महाराज आप पाइए, मैं बनाती हूँ। 11 बजे भोजन शुरू किया महाराज, सायकाल हो गई, डकार भी नहीं आया। जानकी जी ने 15 बार तो आटा गूंदा, सायकाल हो गई। अगस्त जी से बोली और चाहिए। अगस्त जी बोले अभी तो शुरू किया, और अब पूछने भी लगी। जानकी जी ने कहा नहीं बाबा सुनिए, आप प्रेम से पाइए, मैं अभी आती हूँ। जानकी जी ने गणेश जी को, दोनों पत्नियों को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बोली आज्ञा माता। जानकी जी बोली देखो महाराज अगस्त तो भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए भूखे नहीं उठने चाहिए, सारे भंडार खोल दो। रिद्धि सिद्धि जहाँ बैठ जाए वहाँ क्या कमी। महाराज को पूरी बनाकर परोसती जा रही हैं, महाराज बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। 3 दिन 3 रात्रि हो गई, महात्मा जी का अखंड भोजन चल रहा है। और सोई के द्वार पर आई तो रिद्धि सिद्धि के सामने माता जानकी ने गणपति जी को बुलाया, रसोईया बनकर आए हैं गणपति जी। नवनिधि को बुलाया, मिलकर पूरी बेल रहे हैं गणपति जी महाराज, झरिया में पूरी निकाल रहे हैं। अगस्त महाराज जी को परोसते जा रहे हैं, महाराज जी मुंह में उढ़ेलता जा रहे हैं। 15 दिन 15 राती बीत गई, लेकिन 16वां दिन जब पूरा हुआ अगस्त महाराज जी के चेहरे पर कोई सिकुड़ना नहीं आई। भोजन करने में व्यस्त है। 17वां दिन जब भोजन का चल रहा था, जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करती हूँ, अगस्त महाराज ने कहा जी सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन अभी वार्ता कर नहीं सकता क्योंकि मैं भोजन में व्यस्त हूँ, वार्ता बाद में करूँगा। जानकी जी बोली मैं कोई बात करने नहीं आई महाराज, मैं तो इतना कहने के लिए आई हूँ, आधा भोजन हो जाए तो पानी भी पीना चाहिए। अगस्त बोले चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। जानकी जी बोली भगवान ये कैसा महात्मा है, अभी आधा भी नहीं हुआ। महाराज का भोग चल रहा है। 17वें दिन सायकाल के समय राघवेंद्र जी आए, राम जी के आकर देखा। जानकी जी चिंतित हैं, गणपति जी महाराज चिंतित हैं, रिद्धि सिद्धि सब हार गए। राम जी ने श्री जानकी जी से कहा क्यों देवी महाराज को भोजन अभी चल रहा है। तो जानकी जी बोली सुनिए ऐसा ब्राह्मण मेरे घर पर कभी मत बुलाना, ये भी कोई बात है। श्रद्धा की टांग तोड़ कर रख दी। 18 दिन पूरे हो गए, अभी आधा भी नहीं हुआ। राम जी बोले आप रोज बोलती थी तो अब कराओ भोजन। भगवान राम रसोईया के द्वार पर गए, महाराज भोजन कर रहे हैं। अगस्त मुनि ने भोजन करते करते तिरछी नजर से राम की ओर देखा, इशारे से पूछा बस की ओर चले। भगवान ने कहा बस करो। राम जी के इशारे पर तो ही हो रहा था। 18वें दिन शाम को डकार आई, जल लाओ तो देवी अब आधा भोजन ही जल गया, जल पिलाओ। राम जी ने कहा देवी महाराज के लिए जल लाइए, हमारे पास की जल की व्यवस्था नहीं, इतना पानी कहाँ से लाएंगे, एक आधे घड़े से तो काम चलेगा नहीं। अगस्त बोले पानी भी पीते हैं तो फिर ढंग से नहीं पीते हैं, ऐसे रोज रोज तो पीते नहीं, 2-4 युग में एक बार पानी पीते हैं। राम जी ने कहा महाराज पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, एक काम करिए आप तो संत हैं, एक युग भोजन करें दूसरे में पानी पिए, आगे जो द्वापर युग आ रहा है ना, द्वापर युग में मैं गिरिराज को उठाऊंगा, क्रोध में आकर इंद्र जितनी जल की सृष्टि करेगा वो सारा जल पान आप करना। तो अगस्त बोले ठीक है, एक समाधि लगाऊंगा तो द्वापर आ जाएगा। अरे प्रभु ने जैसे गिरिराज उठाया इशारा कर दिया बाबा कहीं भी हो आकर जल का पान करो। अगस्त एक जगह बैठकर पानी पी रहे हैं, सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं और शेष नाग जी नीचे की ओर बांध लगाए हुए हैं। इंद्र को पता चला तो ये मेरे भगवान हैं, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। इंद्र ने आकर गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, गिरिराज की स्थापना हो गई, 56 भोग बने थे, उनका घर घर में प्रसाद बटा। उसी दिन से गिरिराज का पूजन की परंपरा चली। प्रभु ने गिरिराज धारण कर ब्रजवासियों के संकट की निवृत्ति की। ब्रजवासियों के जीवन में बहुत बड़ा संकट आया, देवराज इंद्र ने इनको बहाने षड्यंत्र किया, लेकिन मेरे 7 वर्ष के गोविंद ने सप्त कोस लंबे चौड़े पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि में अपनी उंगली पर उठाकर रखा, देवराज इंद्र का अभिमान चूर कर दिया। मैंने ये अच्छा नहीं किया, भगवान के ब्रजवासियों को संकट में डाला, ये वाकई मैंने अच्छा नहीं किया, इसलिए देवराज इंद्र हाथी पर बैठ कर आए हैं और जहाँ से ब्रज की सीमा आरंभ होती है वहाँ हाथी के नीचे उतर गए, आकर के कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट गए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, आपका विग्रह शुद्ध सत्व गुणों से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण रजोगुण का स्पर्श नहीं, रजोगुण तमोगुण से ध्वस्त करने वाला है, माया से आप कैसा भी रूप धारण करें लेकिन स्वयं कृपा के सागर हैं, आज मैंने अनुभव किया। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की, कहते हैं जगत के पिता तो केवल आप ही हो, सबके पिता तो केवल आप ही हो, केवल श्री कृष्ण है, इसलिए अर्जुन भी गीता में कहते हैं तुम ही जगत के पिता,
चराचर के गुरु, चराचर के स्वामी, सर्वसत तो केवल प्रभु आप ही हैं। इंद्र कहते हैं सब कुछ आप ही हो, लेकिन मेरी भ्रांति देखो, मेरी ना समझी देखो, मैंने आपका जगत गुरु समझा, अपने आप को जगत का स्वामी समझा और इतनी बड़ी गलती कर दी गोपाल, आपके इन ब्रजवासियों को मैंने भाकर्म नष्ट करने का प्रयास किया, क्या ये मेरा प्रसाद समय तुल्य है? बिल्कुल समय योग अपराध नहीं है, लेकिन आप जैसा कौन कृपालु होगा, ऐसो को उधार जंग माही, बिन सेवा जो द्रव ही दीन पर, राम सरस को नाही। हमारे राम कृष्ण तो ऐसे कृपालु हैं, प्राणी के अवगुणों को और तो कभी दृष्टि डालते ही नहीं, यदि परमात्मा जीव के गुणों को देखने लग जाए तो हजार जन्म में भी हमें भगवान से मिलना नहीं हो सकता, लेकिन वो तो इतने कृपालु हैं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से फूल यदि कोई समर्पित करे तो स्वीकार कर लेते हैं, मुझे बहुत पसंद है, कोई प्रेम से पुकारे तो सही, अहो बकिया सतन काल कुट झिकिया से आप पायदम साध्वी, लेभे गतिम धातुर चितम तंतोई कवा दयालु शरण ब्रजे। ये राक्षसी पूतनस्त्रों से जहर लगाकर राक्षस कृष्ण को मारने आई, लेकिन गोविंद ने उनके जहर की ओर ध्यान नहीं दिया, पूतना मुझे मारने आई और इस ध्यान नहीं दिया, उसको माता की गति प्रदान कर दी, शोधा की मुक्ति दी, वो प्रथम पूतना को मेरे गोविंद ने दे दी, इतनी बड़ी कृपा ऐसा करना का सागर और कौन हो सकता है। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए भगवान, मेरे अपराध को यदि उचित समझो तो क्षमा करें और यदि दंड देना चाहे तो दंड दें, मेरे गोपाल कितना बड़ा कृपाल है, जाओ इंद्र तुम्हें क्षमा किया, मैंने ही तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए लीला की थी, जीवन में अहंकार कभी मत करो, जाओ स्वर्ग से प्रशासन भोगो, और तुम्हारे जीवन में दृढ़ता आ रही थी इंद्र, उससे मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत से प्रेमियों को, बहुत स्नेहियों को कष्ट हो रहा है, भक्तों को कोई कष्ट दे ये मुझे बर्दाश्त नहीं, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुने अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरिया न टारे, भक्त मेरा है मैं भक्त का प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ सकता, जीवन में कभी अभिमान मत करना इंद्र। लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है कि ब्रह्मा ने गलती की थी भगवान के ग्वाल बछड़े चुराने की, तो कृष्ण से दूर रखा, फिर ब्रह्मा ने शिवा मांगकर 40 मंत्रों से भगवान की स्तुति की, लेकिन एक शब्द श्री कृष्ण बोले नहीं, वर्णन आता है कि भागवत में 40 मंत्रों की स्तुति सुनकर भी कृष्ण बोले नहीं, इंद्र ने गलती की, पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया, फिर केवल 10 मंत्रों में इंद्र ने आकर स्तुति की, भगवान बोले जाओ क्षमा किया। तो प्रश्न ये उठता है कि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि भक्त हमारे पग धरे वहां धरू मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबू न छोड़ू साथ, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग, इसे कहते हैं चतुर्युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार व्यतीत होता है, तो एक मन्वंतर पूरा होता है और एक इंद्र बदल जाते हैं। इसी प्रकार जब 14 मन्वंतर पूरे हो जाते हैं तो 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, इसी क्रम में ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु होती है, सोचिए कितनी आयु होगी ब्रह्मा जी की। ऐसा उचित जिस ब्रह्मा का पद विधाता जो बना है, सारी दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, नारायण को कोई नहीं बना सकता, क्योंकि अगर नारायण ने उसको बनाया, उस ब्रह्मा ने जब 40 मंत्रों से स्तुति की तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, बोले नहीं, उनसे नाराज रहे, और इंद्र ने गलती की और केवल 10 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान तो कह दिया जाओ क्षमा किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गलती तो दोनों ने की, लेकिन दोनों की गलतियों में अंतर क्या है, ब्रह्मा जी ने जो गलती की, एक वर्ष तक कृष्ण ने भक्तों को कृष्ण से दूर रखा, एक वर्ष तक कृष्ण के सखाओं को उनसे दूर किया, इंद्र ने जो गलती की पूरे ब्रजमंडल को भाने का षड्यंत्र किया, फिर मेरे प्रभु ने एक हाथ से गिरिराज को उठाया और दूर दूर रहने वाले जो ब्रजवासी 7 दिन तक भगवान के पास में रहे। ब्रह्मा की गलती में भक्त दूर चले गए और इंद्र की गलती से वो प्रभु के पास आ गए हैं। ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया जा सकता, लेकिन कहा जा सकता है कि ब्रज की महिमा ऐसा गिरिराज महाराज की तलहटी का आकर्षण, इंद्र महाराज बोले मुझे इंद्र लोक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना भगवान, मुझे यहीं रहना है, बस यहाँ बैठे बैठे भजन करूंगा, मुझे इंद्र नहीं बनना है। भगवान बोले यहाँ क्या रखा है भैया, तुम्हारे स्वर्ग के वैभव को छोड़कर तुम यहाँ क्या करोगे, तुम अपना स्वर्ग ही संभालो।
इंद्र कहते हैं, लग रही आस करूं गवान तलहटी गोवर्धन की मैं। कितनी बड़ी समर्थ है भक्ति की। इंद्र ने जैसे ही भक्तों से यह आकांक्षा व्यक्त की, प्रभु ने कहा, जाओ स्वर्ग के प्रशासन को करो, फिर व्रज की प्राप्ति तुम्हारी निष्ठा बनी रहेगी, तो दूर रहने में भी तुम्हें लगेगा कि तुम यहीं पर हो। एक बात मैं आपको शास्त्रीय कहूँ, शास्त्रीय बात तो यह है कि पास में रहकर भी यदि मानसिक चिंतन दूर का है तो शरीर से पास रहना उतना लाभप्रद नहीं है, लेकिन यदि दूर रहकर भी हम कहीं की कामना करते हैं तो हम वहीं पहुँच जाते हैं। यह कलयुग युग का परम प्रताप है, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। यह कलयुग का विशेष प्रताप है, यहाँ मन में सोचने से पुण्य का फल तो कुछ मिल जाता है, पर पाप का फल सोचने से नहीं, करने से नहीं मिल, करने से ही मिलता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कलयुग की। आज हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो भले हमें पाप ना लगे बिना किए, लेकिन जब हम कुछ अच्छा सोचेंगे तो हमें पुण्य अवश्य लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सदा सत अच्छा सोचना चाहिए, सदा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप यहाँ पर बैठे ही भाव लगाइए कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं माता रानी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो आपको उसका पुण्य यात्रा का अवश्य मिलेगा। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहें, ज्यादा से ज्यादा चिंतन वृंदावन का करो, ज्यादा से ज्यादा याद बांके बिहारी को करो, तो बिहारी जी को कभी तो याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। बोलो श्री गिरिराज भगवान की जय। तो आज की कथा में हमने गिरिराज गोवर्धन राज की पूजा, अगस्त मुनि का प्रसंग और इंद्र का क्षमा मांगना ये सब सुना। उम्मीद है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो आगे और अच्छी अच्छी लीलाएं भगवान की देखेंगे, भगवान कृष्ण की लीला, भगवान ठाकुर जी की लीला, राधा रानी की लीला। तो उससे पहले यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।